ही चुगली वाली चाची आ गई। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाँ लाई। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाँ लाई। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाँ लाई। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ब्यूटीफुल, वो प्रीटी जो आप सब लोगों की बहुत फेमस एक्ट्रेस है। हाँ दोस्तों, जिनका रिश्ता प्यार से जुड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों, आपके ये रिश्ते हैं प्यार की, पूजा जोशी, जो आपके उस धारावाहिक में पूजा जोशी वर्षा का किरदार निभाती है। हाँ दोस्तों, आज हम लोग आपको पूजा जोशी के बारे में बताने वाले हैं। आपकी फेवरेट पूजा, पूजा जोशी बहुत दुखी है क्योंकि उनके सहयोगी, उनके शो में जो उनके पति बनते थे जिनका नाम था समीर शर्मा, हाँ दोस्तों समीर शर्मा, उनकी हाल ही में उन्होंने सुसाइड कर ली है। और इस बात से पूजा जोशी बहुत दुखी है। जब हमने पूजा जोशी से पूछा कि अरे भाई पूजा, क्या बता सकती हैं समीर ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया, चुगली वाली चाची, मेरी तो समीर से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। लास्ट हम दोनों की जुलाई में सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैट हुई थी। हम दोनों ने पूछा था कि एक दूसरे से कि शूटिंग कब से शुरू हो रही है और कब मिलेंगे। पर पूजा को लगता है अकेले रहने से इंसान अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता और वो बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए वो सुसाइड का कदम उठाता है। पूजा जोशी ने बताया कि अकेला इंसान अपने दिल की फीलिंग किसी को नहीं बता पाता। अभी आप अपने भाई बहन माँ बाप के साथ रहते हैं तो आप फिर भी उनसे बात शेयर कर सकते हैं। शायद इसलिए ही पूजा जोशी को लगता है, इसलिए ही समीर शर्मा ने उनके मराठ वाले घर में सुसाइड कर ली है। हाँ दोस्तों, समीर शर्मा, और जब हमने पूजा से पूछा, जब उन्होंने कहा कि जब समीर से उनकी तब बात हुई थी जब समीर शर्मा पुणे में अपनी बहन के साथ थे, तब उनकी लास्ट उनसे जुलाई में चैटिंग हुई थी। और पूजा इस बात से, जैसे ही पूजा को ये पता पड़ा कि समीर शर्मा ने ये कदम उठा लिया है, तब से ही पूजा जोशी को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो उस दिन भर रोती रही। दोस्तों वो दिन भर रोती रही। पूजा जोशी ने कहा कि समीर को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि वो इतनी दुखी है या उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो कुछ ऐसा कर लेंगे। समीर सेट पर अपने सारे सह किरदारों के साथ और पूजा के साथ काफ़ी मस्ती करते थे और काफ़ी अच्छे मूड में दिखते थे। वो लोग काफ़ी मस्ती करते थे और सेट पर काफ़ी हंसी खुशी के पल एक साथ बिताते थे। पूजा जोशी को अपने सह किरदार, अपने साथी की कमी सेट पर काफ़ी खलती है। और जैसे ही पूजा जोशी को जब ये पता पड़ा कि उनके शो में जो उनके पति बनते हैं या जो शौर्य माहेश्वरी का किरदार निभाने वाले समीर शर्मा की जब अचानक उन्हें सुसाइड की खबर मिली, पूजा जोशी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा दोस्तों। और पूजा जोशी ने कहा कि हम सब लोगों को अपने ही परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होती है जो आपको हर दुख से बचाती है। आप उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं और आप उनके साथ अपना दुख बांट सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो पूजा जोशी को समीर शर्मा की मौत से लगा है बहुत बड़ा धक्का और उन्होंने अपने सारे फैन से कहा है कि हमें अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, तो ये थी आपकी पूजा जोशी की बहुत दुख भरी फीलिंग और दुख भरी भावनाएं उनके सह किरदार साथी की मौत पर, समीर शर्मा की मौत पर। हाँ दोस्तों, तो आपके सितारों की ऐसी ही अच्छी बातें जानने के लिए आपके चाची के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, ताकि आपकी चुगली वाली चाची अपने पोटली में चुगलियाँ समेट कर आप सब लोगों को लाती रहे और आपको बताती रहे। अच्छा, तब तक मैं चलती हूँ और चुगलियाँ लाने। बाय।